नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। यहां पर 12 क्वेश्चन क्या है, कहता राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज वेयर द फोर्थ सिंबल फ्रॉम लेफ्ट एंड इज ऑलवेज बी। इसका मतलब पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग्स इन द लैंग्वेज, अगर मैं देखूं इस साइड को मैं लेफ्ट बोल रहा हूं और इस साइड को मैं राइट बोल रहा हूं, और W मैं लिख रहा हूं कि इसमें इस लैंग्वेज में स्ट्रिंग किस तरह की होंगी, लेफ्ट एंड से ऑलवेज बी हो फोर्थ सिंबल। एक सिंबल, दो सिंबल, तीन सिंबल और चौथा सिंबल क्या है, लेफ्ट एंड से बी। ओके, और ये यहां से तीन जो प्लेस मैंने छोड़ी हैं एक्स और यहां से वाई और यहां से ये जेड। ओके, और इसके बाद अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेक्स्ट सिंबल क्या है, तो नेक्स्ट सिंबल को मैं क्या लिख दूं, लेट कि मैं एम लिख दे रहा हूं। ओके, तो ये एम क्या है, ये एम है ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। एक्स और वाई और जेड क्या है, चूंकि ये चौथा ही सिंबल मीन्स एग्जैक्टली चौथा सिंबल फ्रॉम लेफ्ट एंड क्या होना चाहिए, बी, एंड देयरफॉर एक्स वाई जेड की लेंथ तीन लेंथ, तीन के बाद चौथी, हर एक सिंबल एक लेंथ का है। तो यहां पर मैंने कहा चूंकि ए और बी की ही ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं, इसलिए एक्स वाई जेड क्या है, या तो ए है या तो बी है, इनमें से कोई, दो में से कोई एक सिंबल है एक्स और कोई एक सिंबल है वाई, एंड फॉर सिमिलर फॉर जेड। एंड देयरफॉर क्या कहूंगा, एक्स के लिए लिखूंगा कि ए प्लस बी में से आप कुछ भी ले लो, वाई में से ए या बी में से कुछ भी ले लो, जेड के लिए ए और बी में से कुछ भी ले लो। इसके बाद क्या है, बी है, और इसके बाद एम क्या है, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज, मतलब यूनिवर्सल लैंग्वेज या यूनिवर्सल लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन, तो ये लिख दिए। अब यहां से आप देख लो, तो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर योर मीन्स रिक्वायर्ड रेगुलर द मीन्स एग्जैक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 12। ओके, कुछ लोग इसको इस तरह से भी लिखेंगे, ए प्लस बी की पावर 3, 1, 2, 3, तो मैंने ए प्लस बी की पावर 3 कर दिया और यहां से बी और ए प्लस बी का होल स्टार। ओके, अगर सपोज करो यही इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा जनरलाइज कर दूं और यहां से फोर्थ की जगह पे कह दूं कि nth सिंबल फ्रॉम लेफ्ट एंड इज ऑलवेज बी, तो इसका मतलब है आप क्या कह सकते हो, इसकी जगह पर आप सिंपल n कर दोगे। ओके, सॉरी, फोर सिंबल कहा था तो यहां पर n माइनस वन इसी की जगह पर कर दोगे, क्योंकि देखो फोर्थ है, फोर्थ सिंबल, तो आपने क्या किया है, यहां पावर 3 है, अगर यहां पर n nth सिंबल कहोगे तो पावर यहां n माइनस वन रहेगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ओके, नाउ कम टू योर 13th क्वेश्चन। यहां पे क्या है, द फोर्थ सिंबल फ्रॉम राइट एंड इज ऑलवेज a। इसका मीनिंग ये हुआ कि फोर्थ सिंबल फ्रॉम राइट एंड इज ऑलवेज a, तो स्ट्रिंग किस तरह की होंगी लैंग्वेज में, 1, 2, 3, थर्ड थी तीन, राइट साइड से काउंटिंग कर रहे हैं 1, 2, 3, और फोर्थ में क्या है, ए है। ओके, और इसके बाद डजन मैटर कि क्या है, तो मैंने एम कर दिया, यहां पर एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड क्या है, एक एक लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग, और एम क्या है, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। ओके, तो अब इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा, ए प्लस बी का होल स्टार। ओके, इसके बाद क्या है, ए, और इसके बाद ये सब ए और बी में से कोई एक सिंबल, तो एक्स का मतलब क्या है, ए प्लस बी, वाई का मतलब ए प्लस बी, जेड का मतलब ए प्लस बी। अब अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब। ओके, सेम अगेन क्वेश्चन, अगर यहां पर क्या है, n है इसकी जगह में, तो फिर आप इसके लिए इस जगह पे क्या कर देंगे, n माइनस वन कर देंगे, रिमेनिंग सेम सिचुएशन रहेगी। अगर यहां फोर्थ सिंबल फ्रॉम राइट इज ऑलवेज b, तो फिर इसकी जगह पे क्या कर देंगे, b कर देंगे।
ओके okay? या इस क्वेश्चन में जब बी था तो फिर उसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट, ओके एंड दैट्स डन।